वेलकम टू अमिताज गोल्डन लिटिल व्यू है। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ एक क्विक एंड हेल्दी रेसिपी। आज हम बनाएंगे मैंगो एंड बेसिल सैलेड। ये बहुत ही यम्मी होने वाला है, आपका झटपट 2 मिनट में ये रेसिपी बन जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैंगो एंड बेसिल सैलेड बनाना। आइए स्टार्ट करते हैं ये सैलेड बनाना। ये देखिए, मैंने एक मैंगो लिया है, एक टमाटो, एक क्यूकम्बर, 200 ग्राम पनीर और बेसिल लीव्स। इनको आप काट लें अच्छे से। ये देखिए काट के रेडी हो गया है। अब एक बड़ा बॉल ले लें और उसमें डालें 2 टीस्पून विनेगर, 2 टीस्पून ऑयल, मैंने ऑलिव ऑयल लिया है यहाँ पर, 1 टीस्पून क्रश्ड पेपर और 1 टीस्पून सॉल्ट। आप इसमें डालेंगे चॉप्ड बेसिल, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा शुगर और डालेंगे, 1 टीस्पून शुगर डाल लेते हैं। आप इसको मिक्स कर लें अच्छे से। आप यहाँ पे कोरिएंडर या मिंट भी ले सकते हैं अगर बेसिल अवेलेबल नहीं है तो। ये देखिए इसमें डाल दें सब चीजें। बस इसमें हमें कुछ नहीं करना है, मिक्स कर दें और ये रेडी है। बहुत ही इजी और यमी ये रेसिपी बनती है। ये देखिए कंप्लीट मील है एक तरह से। बस अब इसको आपको करना है रेफ्रिजरेट 30 मिनट तक, कम से कम रेफ्रिजरेट करना ना भूलें। इसमें फ्लेवर्स जाने में थोड़ा वक्त लगता है, तो आप इसको रेफ्रिजरेट करें और फिर सर्व करें। ये देखिए बहुत ही कलरफुल और अमेजिंग ये सैलेड बनता है। आप इसे बनाइए और खाइए, आपको ये बहुत ही पसंद आने वाला है। बस ये बिल्कुल रेडी है अब खाने के लिए, आप करें इसे इंजॉय। तो बताइए कैसा लगा आपको ये झटपट सैलेड बनाना। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, हैव अ नाइस डे।